अब हम एक एक्टिविटी और करके देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या? पानी से भरा हुआ एक गिलास और कुछ सिक्के। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने गिलास को एक निश्चित ऊंचाई तक, बिल्कुल जो इसकी बीम है, ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ तक भरा हुआ है, और मैं इसमें इतना पानी डाल रहा हूँ कि पानी जो है इस लेवल पर आ जाए कि बाहर ना निकले। बस अब यहाँ पर इस लेवल आप देख पा रहे हैं कि जो इसका अपर पार्ट है वो अर्धचंद्राकार हो गया है। अब यहाँ पर हमें सावधानी से कुछ सिक्के डालने हैं कि पानी बाहर ना निकले। ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। देखते हैं हम कितने सिक्के डाल पाते हैं। एक, दो, तीन, हमें हर बार ये लगता है कि पानी अब बाहर आएगा। चार, पांच, छः, घर पर सभी के साथ करके देखें कौन सबसे ज्यादा सिक्के डाल पाता है। सात, आठ, नौ। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि पानी का लेवल जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये 10, 11, जी हाँ, एक स्टेज ऐसी आती है कि ये बाहर आ जाता है, 12, और ये पानी बाहर आ गया है। तो इस एक्टिविटी को आप करके देखें, इसके पीछे क्या कारण है, अगली एक्टिविटी में हम जानेंगे। जैसा कि हमने, जब हमने प्रारंभ में पानी लिया था तो उसका तल कुछ यहाँ पर था। पानी के जो तल के अणु थे वो एक दूसरे को बांधे रखने का प्रयास कर रहे थे। जैसे जैसे हम सिक्के डालते गए, इसका जो आकार था वो ऊपर की ओर, तो इसकी एक पृष्ठ पर क्या हुआ, एक तनाव महसूस हुआ जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसकी अगली गतिविधि को अब हम और देखते हैं।